नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस मोटो हब में। तो आज होने वाला है एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, सीएनजी वर्सेस सीएनजी। जैसा आप सभी देख पाएंगे, ग्रैंड डाइटन नियोस और ऑरा सीएनजी का एक क्विक कंपैरिजन आज हम लोग आपको ज़रूर करके दिखाएंगे, और इसके सारे अपग्रेडेड फीचर्स जो आपको दोनों वेरियंट में मिलते हैं वो भी बताएंगे। और आखिरी में, जैसा काफ़ी सारे व्यूअर्स ने बोला है कि हमें सबसे बेस्ट गाड़ी चूज़ करनी है, तो वो भी ज़रूर हम आपको चूज़ करके बताएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, और चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है द ऑल न्यू ऑरा सीएनजी का एस वेरिएंट, और ये है इसके पैर डीआरएल्स। जैसा आप सभी देख सकते हैं, आपको दोनों गाड़ियों में डीआरएल्स और हेलोजन हेडलैम्प्स अलॉन्ग विथ फॉग लैम्प ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अगर इसके सेम प्राइस पॉइंट वाले वर्जन से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी लुक के साथ आपको दोनों गाड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ पे ब्लैक ग्रिल भी आपको इसमें ज़रूर दी है। और अगर कॉमन और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों गाड़ियों में R14 का टायर देखने को मिल जाता है। बस जो ग्रैंड डाइटन नियो सीएनजी के स्पोर्ट्स वेरिएंट में एडवांटेज है वो आपको जो है इसमें अलॉय व्हील देखने को मिलता है, और इसमें आपको मैनुअली एडजस्टेबल ओआर भी मिलता है, जबकि उसमें आपको सेम प्राइस पॉइंट में इसका फोल्डेबल वर्जन ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो हम पूरी डिटेल्स आपको ज़रूर बताएंगे अलॉन्ग विद द कंपैरिजन, और अब पीछे की तरफ भी ज़रूर देख के आते हैं। तो यहाँ पे जो है, सबसे पहले आपको ऑरा सीएनजी में टेल लाइट्स ज़रूर देखने को मिल जाती हैं, जो आपको इसके ग्रैंड डाइटन नियोस वर्जन में नहीं देखने को मिलेगी सीएनजी में। काफ़ी प्यारी लुक के साथ ये गाड़ी आपको मार्केट मिलती है। जैसा आप सभी जानते हैं, इसका ओवरऑल लेंथ ब्रेथ काफ़ी अच्छा है। अगर हम ग्रैंड डाइटन नियोस से कंपेयर करें तो लुक्स और एक्सटीरियर के मामले में ग्रैंड डाइटन नियोस से ऑरा सीएनजी बहुत आगे निकल जाती है, जैसा आप सभी जानते हैं। हालांकि इसका जो एस वेरिएंट है वो थोड़ा सा फीचर्स के मामले में स्पोर्ट्स वेरिएंट से पीछे है। अगर हम प्राइस पॉइंट की बात पर चलें तो केवल 20,000 के डिफरेंस में ही वो गाड़ी काफ़ी अच्छी इससे आगे निकल जाती है फीचर्स के मामले में। लेकिन ये भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मोस्ट सेलिंग है माइलेज और स्पेक्स के मामले में। तो और फीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है ग्रैंड डाइटन नियोस में आपको जो है कुछ ऐसी एक्सटीरियर नहीं देखने को मिलती है, और उस मॉडल में आपको डिफॉगर नहीं देखने को मिलता है। और इंटीरियर्स भी इसमें काफ़ी अच्छे खासे स्पेशियस हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। थोड़ा सा कैबिन का स्पेस और सीएनजी में आपको ग्रेटर देन द आइटन नियोस देखने को मिलेगा। अब बूट स्पेस भी काफ़ी बड़ा है, 405 लीटर्स का इसका। और ये है हमारी द ऑल न्यू ग्रैंड डाइटन नियोस सीएनजी का स्पोर्ट्स वेरिएंट, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आपको ये भी गाड़ी देखने को मिल जाती है, बस थोड़ा स्पेस का इश्यू है। मगर अगर फीचर्स की ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे ये गाड़ी काफ़ी आगे निकल जाती है ऑरा सीएनजी से अगर हम कंपेयर करते हैं। अगर इसकी मेन हम प्राइसिंग की ही बात कर लेते हैं तो इसकी प्राइस है स्पोर्ट्स वेरिएंट की 8,30,000 रुपीज़ अराउंड, अगर हम कानपुर यूपी के ऑन रोड प्राइसेज बताएं तो आप। और वहीं ऑरा सीएनजी की जो अगर ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें एस वेरिएंट की, तो वो आपको पड़ता है 8,50,000 रुपीज़, जो थोड़ा सा 20,000 रुपीज़ कॉस्टली है इससे बस। तो ये है इसकी प्यारी सीएनजी की बैगिंग, जैसा आप देख पा रहे हैं सीएनजी वर्जन तो है ही है। अब इसके एक्सटीरियर की भी बात करते हैं, जो आपको इसमें क्या अच्छा फीचर देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छी लुक इसकी भी कंपनी ने बताई है, बट इसमें पीछे आपको नॉर्मल टेल लाइट देखने को मिलती है। तो ये है ओवरऑल नियो सीएनजी की लुक। अब लेंथ की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो लेंथ है वो है 3805 mm, वहीं ऑरा सीएनजी से अगर कंपेयर करें तो उसकी है 3995 mm, तो करीब 190 mm का फ़र्क है यहाँ पे, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। और ये है इसका प्यारा सा इंटीरियर, तो काफ़ी अच्छी खासी है MID और टच स्क्रीन के साथ ये आपको मिलता है प्रीमियम इंटीरियर्स के साथ। ऑटो फोल्डिंग वारबीम भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, एक अपग्रेडेबल फीचर है जो ऑरा में नहीं मिलता है आपको एस वेरिएंट में। और बाकी अलॉय व्हील्स भी आपको इसके इसी वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं स्पोर्ट्स में नियोस के। तो बैठ के भी देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी के साथ अच्छा खासा कंट्रोल है। बाकी MIDP भी आपको फ्यूल टू एम्प्टी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह देखने को मिल जाता है। वॉइस कंट्रोल्स भी अच्छे खासे दे रखे हैं यहाँ पे,
एसी जो है उसमें आपको ऑरा सीएनजी में इसका मैनुअल वर्जन मिलता है, जबकि इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी है। बाकी रियर पार्किंग कैमरा भी आपको इसमें बढ़ के देखने को मिल जाता है। तो फीचर्स के मामले में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी गाड़ी है और बेस्ट कैमरा क्वालिटी के साथ आता है हिंदई फिटिंग पे। तो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ ये कनेक्टिविटी है और ग्लोव बॉक्स भी आपको जो है इसमें कूल्ड वाला नहीं मिलता है, जबकि ऑरा में आपको कूल्ड वाला ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है। बाकी एसी की इवेंट्स भी काफ़ी अच्छी है अलॉन्ग विथ सीएनजी कंट्रोल्स, और एक रूफ लाइट आपको उसमें देखने को मिलती है विद माइक। बाकी उसमें आपको दो रूफ लाइट्स देखने को मिल जाती है, और पीछे साइड जो है आपको रियर सीट में इसमें आर्मरेस्ट नहीं देखने को मिलेगा, जबकि रियर एसी वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑरा सीएनजी में आपको आर्मरेस्ट देखने को ज़रूर मिल जाता है विद कप होल्डर्स फ्रंट साइड। तो ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ इसकी भी आती है डुअल टोन इंटीरियर्स, जबकि ऑरा में आपको थोड़ा सा क्रोम का फिनिश देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद कॉपर। काफ़ी अच्छे फीचर्स तो इसमें भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करें तो ये थोड़ा करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो है प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो नहीं गाड़ी काफ़ी ठीक है, अगर उसके स्पेस और कंफर्ट को अगर ना देखा जाए तो। अगर हम सबसे पहले फीचर्स ओवर ऑरा की बात करें, जो आपको ग्रैंड आइटॉनिया एस के सेम प्राइस पॉइंट पे दोनों को मिल जाती है, तो यहाँ अलॉय व्हील्स, टच स्क्रीन, ऑटो आरवीएम्स और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी विद रूफ व्हील्स वगैरह, ये ऊपरी फीचर हैं जो आपको ग्रैंड आइटॉनिया उसमें देखने को मिल जाते हैं। गाइस, अगर आपको कंफर्ट और कुछ स्पेशियस कैबिन की ज़रूरत है तो ऑरा में आपको काफ़ी अच्छा खासा एक स्पेशियस कैबिन और बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। जैसा आप सभी को पता है, ऑरा की लेंथ जो है काफ़ी अच्छी खासी है और बूट स्पेस उसी की वजह से उसमें आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी। अगर आपको एक स्पेशियस गाड़ी की तलाश है तो आप ऑरा की तरफ बेझिझक जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको फीचर्स भी देखने हैं और थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेना है तो मेरे हिसाब से 8 लाख रुपीज़ के ऊपर की गाड़ी में आप ग्रैंड आइटॉनिया की तरफ ज़रूर जा सकते हैं, वो उसमें आपको काफ़ी प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं एक्चुअली। सो गाइज, अगर आपको एक अच्छा माइलेज और एक कंफर्ट और स्पेशियस कैबिन चाहिए तो आप ऑरा की तरफ बेझिझक जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको फीचर्स चाहिए तो आप ग्रैंड आइटॉनिया सीएनजी की तरफ बेझिझक चले जाइए। ये था हमारा वीडियो सीएनजी वर्सेस सीएनजी पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।